हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इससे पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने आपको उस वाली वीडियो में दो टूलों को ट्रायल करके दिखाया हुआ था, जैसा कि ए वाला टूल था आपका। दूसरा टूल के बारे में बात करें जो अभी आपका यहाँ पर लगा हुआ, ये दोनों एल ड्रॉप के टूल है। दोनों के बारे में मैंने डिटेल में जानकारी को शेयर किया, पावर प्रेस के बारे में, सीट के बारे में, टूल के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में ट्रायल करके दिखाया हुआ। लेकिन आज के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ गलतियों के बारे में, कुछ अपनी कमियों के बारे में, कुछ जो चीज़ें हम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसके बारे में। शायद हो सकता है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अगर जॉब कर रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो करने के लिए, थोड़ा बहुत आपको जानने सीखने को मिलेगा। सबसे मुद्दे वाली बात यह है कि गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती हैं अगर हम काम कर रहे हैं। अगर मैंने अब तक अगर 50 टूल बनाए होंगे तो मेरा एक अंदाज़ा है 2-3 टूलों में प्रॉब्लम जरूर आए होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है कि मतलब उसे हम ये सोचें कि नहीं बहुत बड़ी हमारी अंदर कमी है। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि भाई ये कमियां हमारी वजह से नहीं हुई हैं, हमारी वजह से ही हुई हैं। जिसमें कि एग्जांपल के लिए, जैसा कि आपको पता होगा हमारा एक टूल रूम स्टोर भी है जो कि ऑनलाइन है, toolroomfamily.in पे जाओगे तो वहाँ स्टोर से आप बहुत सारे आइटम जैसे पंच पिलर सेट, आपका गाइड पिन, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से बाई कर सकते हो। अब किसी कस्टमर ने हमसे वहाँ पर पंच को बाई किया जो कि पंच था उनका 8x100 का, लेकिन अब हुआ क्या कि पंच हमने 10 का और 8 का दोनों मंगाया। अब या तो ऐसा तो है नहीं यार सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, भाई और बंदे वो भी काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया गलती से कि जो 8 की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने 10 का पंच यहाँ से कोरियर कर दिया, अब उनके पास चला गया। अब प्रॉब्लम तो उनके लिए भी ना, कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रहे थे भाई पंच आएगा तो मैं काम में लूँगा, जब पंच ही गलत आया तब क्या करें। देखो वहाँ पर मैंने अपनी गलती को सुधारने के लिए यही किया कि भाई उनसे रिक्वेस्ट किया अगर आपका काम चल सकता है तो भाई थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए और आप इस पंच को रख लीजिए। मतलब ऐसा नहीं था कि उस पंच के लिए कोई कॉस्टिंग करता, आपकी ज़रूरत में आता तो इस पंच को आप रख लीजिए। उन्होंने बोला नहीं हमारे यूज में नहीं आएगा, उन्होंने वहाँ से उसको कोरियर किया, बल्कि मैंने उनसे रिप्लेस में बोला कि मैं आपको कोरियर चार्ज दे दूंगा, लेकिन काफ़ी अच्छे इंसान थे उन्होंने मेरे से कोरियर का चार्ज नहीं लिया। यहाँ से मैंने उनको 8 का पंच भेजा, उन्होंने वहाँ से मेरे को 10 का पंच वापस किया। तो एक गलती ये भी है, देखी जाए तो कुछ भी नहीं है यार, गलती हो जाती है। देखी जाए दूसरी बहुत बड़ी गलती है, आपने ऑर्डर किया आपके काम के लिए, आपका काम भी आपका टाइम पे आइटम ही नहीं मिल पाया तो क्या ही फायदा मिलेगा, लेकिन सुधार रहे हैं उस गलतियों के। इसके अलावा भी एग्जांपल ले और बताता हूँ अभी आपको। एक हम डाई बना रहे हैं, 3 होल की पंचिंग करेंगे, उसमें 10 mm की 12 mm की सीट है। अब हुआ क्या, अब MNTR पे काम हो रहा था, बोरिंग हो रही थी। अब बोरिंग होने पर जब MNTR प्लेट मेरे पास आई तो मैंने ये देखा कि सारा कुछ ठीक है, उसको डाई को असेंबली किया जा सकता है, करके दिया जा सकता है, पैसे लिया जा सकता है, डाई चल भी जाएगी, डाई ओके है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि उसमें एक गलती की गई है जो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्चुअल में उसके अंदर देखेंगे ना, जो आपका पंच था, पंच और जो डावल थी वो हल्की लूज थी, हल्की ही लूज थी, मतलब चल सकती, मैं अभी भी कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस साथ कह रहा हूँ चला सकते थे, चल सकता था। लेकिन भाई वो अगर आगे चल करके उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं थी तो इस वजह से वो पूरी पूरी प्लेट मुझे दोबारा से बना करके दोबारा से सारा काम करवाना पड़ा, तो रिजेक्शन तो वहाँ पर भी हुई, गलती वहाँ पर भी हो। लेकिन गलती अगर मेरे पास तक है तो मैं उसको जरूर सही करूँगा यार, ये मेरा काम है, आप पैसे दे रहे हो मेरे से काम करवा रहे हो, भरोसे पे काम करवा रहे हो, लोग यार कहाँ कहाँ से बैठ के पैसा अकाउंट में डाल दे रहे हैं, यहाँ से काम करवा ले रहे हो, भरोसे भी तो करवा रहे हो। अगर मेरे पास तक कमियाँ हैं 100% मुझे पता है, अगर जरा से भी कमी रहे पूरी डाई खुलवा के दोबारा सही करवाऊंगा, ये चीज़ मैं अपने अंदर खुद भी रखता हूँ इस बात को। तो ये अब तक मेरे साथ जो प्रॉब्लमें चल रही थी, जो कमियाँ चल रही थी, मैंने आपको बताया ज़्यादा नहीं 2-3 टूल में था, बाकी कुछ टूल तो ऐसे जैसे मैंने ये टूल हुआ, इसके अलावा 2-3 टूल और बनाया हुआ है, अभी पैकिंग पड़ा हुआ है भाई, उनको मैं ट्रायल ना भी करूँ ना तो डायरेक्ट भेज सकता हूँ, लेकिन ट्रायल इसीलिए करता हूँ ताकि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना थोड़ा सा ऊपर रहे, पहली चीज़। दूसरी बात क्या है कि मैं कस्टमर को समझा सकूँ मैंने ट्रायल किया, उसको भी संतुष्टि रहे हाँ भाई आपने ट्रायल किया, देखा, हो सकता है यार इंसान है कहीं ना कहीं कुछ गलती हो ही जाए। तो अभी तक मैंने आपको अपनी कमियाँ और जो थोड़ी बहुत हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही थी मैंने आपको उसके बारे में जानकारी शेयर किया। अब एक मुद्दे वाली मैं बताता हूँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, लोग मेरे पास कॉल करते हैं मैं कॉल नहीं उठा पाता या उठाता नहीं हूँ, ऐसा समझ लो आप, मेरे पास व्हाट्सअप पर मैसेज करेंगे उनको रिप्लाई नहीं करूँगा, देख कर छोड़ देता हूँ। आपके दिमाग में सबसे बड़ा डाउट यही आता है कि यार बंदा पता नहीं क्या घमंड में, बंदा पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, बंदा रिप्लाई ही नहीं दे रहा तो काम कहाँ से करेगा। मुद्दे वाली बात तो ये है भाई, मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लमें चल रही है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। वो क्या रहा है, मेरे पास डेली के 50 कॉल तो आराम से आ जाएंगे, अब 50 कॉल में तो मैं सबको तो एक साथ रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, सबको मैं चीज़ों को शेयर नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम है मेन कहाँ पर हो रही है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। चलो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपके सामने दूंगा ताकि आपको लाइव सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मैं आपको एक पीस उठाता हूँ, ये लो, ये पीस मैंने उठाया, एक फ़ोटो खींचूँगा इसका और आपके व्हाट्सएप पे डालूँगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे डालने के बाद ही तुरंत मैं आपको कॉल करूँगा और ये बोलूँगा इसका रेट बता दो। अगर आप में से कितने बड़े दिमाग वाले बंदे पड़े हो अब मुझे इसका रेट बता देना, आप बता सकते हो? आप इसको जूम करूँगा, इतना बड़ा पीस दिखाई देगा,
छोटा दूर से खींचूंगा छोटा दिखाई देगा। तो यार आप रेट कैसे पूछ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपना भी दिमाग लगाओ, जब मुझे इसका साइज ही नहीं पता है कि इसका साइज क्या है, लंबाई क्या, चौड़ाई क्या है, थिकनेस क्या, होल का साइज, मैं रेट कैसे बता दूंगा यार। फिर आप सोचते हो कि बंदा रेट नहीं बता रहा। फिर कुछ लोग चलो ठीक है समझदारी दिखाते हैं, थोड़ा साइज बता देते हैं, लेकिन थोड़ा बता करके छोड़ देंगे। थोड़ा बताने मतलब क्या हुआ, उसने बता दिया लंबाई चौड़ाई। भाई कौन सा मटेरियल काटोगे आप, यहाँ पे MS काट रहे हो, CR काट रहे हो, HR काट रहे हो, या फिर यहाँ पे SS का मटेरियल काट रहे हो, वो भी बता दो। मतलब अपनी तरफ से पूरी जानकारी दो। अगर आपको खुद को बनाना होगा तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके बाद आप मेरे से पूछोगे तब आपका काम जल्दी हो जाएगा। मेरे को पता है भाई, जब भी मेरे को टाइम मिला, मैं रात को 12 बजे टाइम मिला, मैं तुरंत बता दूंगा। अब मैं देख, अभी मैंने कल ही परसों देखा कि एक मेरे पास कंपोनेंट आया, उसमें दो होल है और मतलब एक ब्लैंक और एक पंचिंग टूल बनेगा, लेंथ ही नहीं उसके अंदर। अब लेंथ के लिए मैं 2 दिन से मैसेज कर रहा हूँ। अब 4 दिन बाद जब मेरे पास कन्फर्म होगा तो मुझे पता चलता है भाई तुमने आज 4 दिन से मेरे को रेट नहीं दिया। अब गलती मेरी है, बता दो मेरे को गलती हो तो उसके अंदर। एक प्रॉब्लम ये हुई, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने मेरे पास एक कंपोनेंट फोटो भेजा तो भाई दनादन कॉल कर दो भाई, तुरंत ही बता दो यार। तुरंत कैसे कोई बंदा बता देगा यार, मैं तुक्का नहीं लगाता भाई। अगर मैं तुक्का लगाने रहा तो मैं 2 मिनट में बोलूंगा ये टूल 50,000 बने, इतना अंदाजा है मेरे को। लेकिन शायद 40 में बन जाए तो भाई 40 बने 10,000 में तुम्हारा जा रहा ना फालतू में, क्यों जा रहा है भाई। कल को आपको लगे महंगा बना रहा है तो सोचता 40 या 42 ऐसा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दो, उसको मैं रेट आपको निकाल बता दूंगा जब मुझे सारी चीज़ पता चल जाएंगी। एक प्रॉब्लम है, सबसे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम बताऊं मैं आपको, मेरे साथ सीन क्या बना हुआ है सबसे बड़ी। जब मैं लोगों के लिए सीरियसली होकर सोचता हूँ ना कि हाँ भाई इनका काम करना है, वो मेरे साथ तगड़ा ही कांड करके जा रहे हैं। एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये व्हाट्सअप चैट आप देख लेना, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने मेरे से बोला कि मुझे पाइप की पंचिंग कट डाई बनानी है। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने इनको रेट वगैरह दे दिया। इन्होंने बोला भाई कैसे बनाओगे, मैंने कहा जब आप इसको फाइनल करोगे मैं आपको डिज़ाइन भेजा। कह रहे नहीं आप पहले डिज़ाइन भेजो। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सही बात है, अगर आपको पता रहेगा तो आपको समझने में आसानी रहेगी। मैंने उनको डिज़ाइन भेज दिया। इन्होंने बोला डिज़ाइन ऐसा नहीं चलेगा, डिज़ाइन इसको चेंज करो, आप इसको इस तरीके से करो। हमने वो कर दिया। इसके बाद फिर इन्होंने बताया मैंने तीन पाइप एक साथ पंचिंग करना, उसके हिसाब से पिलर यहाँ लगे। मतलब उन्होंने मेरे से जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा डिज़ाइन किया, कम से कम 2 दिन खराब किए होंगे उसके पीछे। फिर उन्होंने कहा जी ठीक है, जब तक ये डिज़ाइन नहीं देता तब तक हम लोग दिन में 4 बार कॉल आ रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। डिज़ाइन दिए हुए अभी के टाइम में 1.5 महीना हो गया होगा, आज कॉल करता हूँ आज तक कॉल नहीं उठाई जाती है। कि कॉल उठाकर ये बोल दें कि भाई साहब काम अभी नहीं करवा सकते हैं, 2 महीने बाद करवाएंगे, ये आपसे काम ही नहीं करवा, इतना भी नहीं कहा जा रहा है। अब बताओ मुझे मैं कैसे करूं, मैं कैसे तुम्हें यार कोटेशन दे दूं, कैसे मैं बैठ के तुम्हें डिजाइन शेयर कर दूं, मैं यही करता हूं पूरे दिन। आप खुद सोचे देखो मेरे साथ क्या सीन बना होगा कि जो बंदा मतलब 2 दिन का टाइम खराब करके पूरी डिजाइनिंग करके 3 बार मॉडिफिकेशन करके बिना 1 रुपये चार्ज लिए हुए, बिना मतलब कोई एडवांस लिए हुए करके दे रहा अगला बंदा, ये सोच करके भाई ठीक है आपको चीज समझ में आ जाए। अब उस बंदे को तुम फोन नहीं उठा रहे, मना मैं तो खुद बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ भाई मना कर दो, मना कर दोगे आप भी टेंशन फ्री, मैं भी टेंशन फ्री, लेकिन आपको कॉल नहीं उठाई जा रही। अब क्या करूँ, आज तक मैंने 90% लोगों को कोटेशन दिया होगा, 90% में से ना सिर्फ 1% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बोला हाँ भाई काम करना है। 90 में से 89% लोगों ने आज तक रिप्लाई ही नहीं किया, आज तक यही नहीं बोला मुझे। काफ़ी लोग क्या करें बैठे बैठे, यार क्या करें यार, हाँ भाई ये देखना जरा कंपोनेंट कितने बन जाएगा, उनको रेट निकालने में 2 घंटे टाइम, 2 घंटे बताया, 2 मिनट लगा जी, बताएंगे आपको, अभी प्रेस के बारे में सोच रहे हैं, अभी ये कंपोनेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब बताओ यार तुमने तो 2 मिनट का टाइम लग गया तुम्हें मना करने में, 2 मिनट लगा। अब मेरा तो मेरा साला पूरा दिन चला गया उसमें, अब किसको ऐसा कोटेशन में देता फिर बताओ मेरे को। आपको मैं भी जब बैठा रहा हूँ मेरे दिमाग में आ रहा है यार 2 मिनट लगा, या पूछ लेते हैं यार अमर के पास फोन करके, टूल रूम वाले से पूछ लेता हूँ क्या बनाएगा, चार्ज हमें रेट ले लेता हूँ। तो यार ऐसे नहीं काम होता ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जेन्युइन जो लोग हैं ना, जो सीरियस लोग हैं, वो मेरे से छूट जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा सबको रिप्लाई करने के लिए, और सबके चक्कर में क्या होगा कि कुछ लोग चक्कर में फंसा जाऊँ, कुछ लोग चक्कर में ऐसे ही हो जाएगा। इसके अलावा भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यार सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम जो रोड डेली में झेल ही रहा हूँ, एक प्रॉब्लम और भी आ रही है। आपने मेरे को इस डाई का मतलब टाइम दे दिया भाई, ये डाई मेरे को 15 दिन में चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, 15 से अगर 16 दिन हो गया 17 दिन हो गया तो आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, यार डाई बनी नहीं, डाई बनी नहीं, डाई बनी नहीं। जब ये डाई बन जाएगी ना 17वें दिन पे, तो आप 2 महीने तक अगर डाई नहीं उठाओगे तो मेरा क्या हाल होगा, सोच के देखो। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ये दोनों टूल जो आप देख रहे हो ना, 2.5 महीना हो गया इस टूल को बने हुए, 2 बार निकाल के साफ करके 2 बार रख चुका, 2.5 महीना हो गया। इधर आओ आपको दिखाता हूँ मैं, आप यही सोच रहे हो गए यार कि सिर्फ कहने वाली बातें होती हैं। ये इसमें के अंदर 2 डाई पूरी पैक करके रखी, जब तक ये डाई बनी नहीं थी तब तक मेरे पास ना दिन में 4 बार कॉल आता था यार कि तुम टाइम से काम करके नहीं दे पा रहे हो, 2 दिन लेट हो गया, 3 दिन लेट हो गया, 2 महीने से डाई पड़ी हुई। अब यार उसमें भी मेरी गलती है कि मतलब मैं डाई बना दिया हूँ, अब आप कह रहे हो आज उठाऊंगा, कल उठाऊंगा, परसों उठाऊंगा, फोन नहीं उठा रहे हो, एक कमी ये है। अब बताओ कैसे काम कर लोगे, आ जाओ एक कमी आपको और बताता हूँ। अगर हम कोई डाई बना रहे हैं
ठीक है। तो मेरी कोशिश क्या रहती है, मतलब हम एक पीओ देते हैं, पीओ में लिखते हैं 50% हमें एडवांस चाहिए। तो सामने वाला बंदा ये कहता है कि ठीक है भाई 50% दे देंगे। उसमें से मैंने कुछ लोगों जब बात किया, वो खुद प्रॉब्लम बताते हैं, यार हमें कहीं से लोन का पैसा लेना है, कहीं से पैसे आने वाले हैं, तब मैं आपसे काम करवा लूँगा, पैसे अभी है नहीं 50% देने के लिए, लाख रुपये का टोल बनना 50,000 रुपये पहले चाहिए। तो मैंने उनसे साफ बोला कि आप 10,000 रुपये ही दो, लेकिन अपना काम चालू करवाओ, ताकि काम में क्या होता कहीं कहीं हम भी फंस सकते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम आएंगे तो हमारे पास टाइम पूरा रहेगा। 10,000 रुपये लेकर उनका मैंने काम चालू कर दिया। अब पता लगा कि मैंने अपने तो 1,00,000 रुपये फंसा दिया, आपने 10,000 रुपये दे रखा। अब दो जब डाई बन गया, आपके 2 महीने डाई नहीं उठा रहे, 3 महीने डाई नहीं उठा, क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि आपके दिमाग में थे भाई 10,000 रुपये तो फंसे हुए हैं, पहले ये अपना काम निपटा लेता हूँ उसके बाद जाकर डाई उठा लूंगा। लेकिन आपके चक्कर में मेरा क्या सीन बन रहा है भाई साहब, मैं जितने भी यहाँ पे मटेरियल लेकर आता हूँ कैश में लेकर आता हूँ, इधर फोन करूँगा उधर मटेरियल कटेगा, उधर से कैश लेकर कैश में पैसा वहीं खड़े खड़े ट्रांसफर करता हूँ। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, बिल और दोनों चीज मैच कर देख लो, वहाँ से वायर कट वाले के पास से यहाँ पे बंदा जाएगा, वहाँ पे पहले बिल जोड़ देगा, भैया इतने पैसे बन रहे हैं, पैसा यहाँ से ट्रांसफर, तो वहाँ से बंदा माल भर के बोरी में लेकर आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 2 महीने तक उनको पैसा नहीं दूंगा तो मेरा काम करने देंगे? अब आप कहोगे उधार भी तो होता है, हाँ उधार भी होता है, हमारे यहाँ पे उधार चलता है, उधार में लोगों का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम करो वो आप समझिएगा। अगर आपने उधार में काम करवाया भाई, मैं 1 महीने बाद पैसा दूंगा आपको, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैंने अगर फोन किया ना कि मेरे को ये माल अभी 10 मिनट में चाहिए, आपका माल कट रहा होगा, कटता हुआ माल छोड़कर मेरा माल काट के दे देंगे, क्योंकि उन्हें पता है पैसा तो यहाँ पे नगद मिल रहे हैं, उधार वाला तो बंदा 1 महीने के बाद देगा। तो मैं अपना काम जल्दी करवाने के चक्कर में कैश में रहता हूँ, भाई ठीक है मेरा काम कैश में करो, मेरा काम जल्दी हो जाए। वायर कट वाला काम ना, अगर आप उधार में करवा रहे हो, आपको 1 हफ्ते में कर देगा, मेरे को अगले दिन दे देगा, रात को ओवरनाइट लगाकर मेरे को काम करके दे देगा, क्यों दे देगा, उसको पता भाई कैश में काम, मैं कैश में काम इसलिए कर रहा हूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाए, इसलिए करवा रहा हूँ, और इसलिए करवा रहा हूँ भाई ताकि आपसे पैसे मेरे को मिल जाए, मैं आगे पैसे उनको दूँ ताकि मेरा सर्कुलर चलता रहे। लेकिन अब वो 2 डाइयाँ वहाँ पड़ी है, 2 डाइयाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, 1-2 डाइयाँ ऐसी और पड़ी हुई, भाई मेरे तो पैसे सारे ब्लॉक पड़े हुए, मैं कहाँ जाऊँगा, आप ही सोचो देखो। इसके अलावा एक मुद्दे वाली बात आपको और बताता हूँ, अभी मेरे साथ एक सीन और बना हुआ है, और रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने इतने टूल बनाए होंगे आज तक कभी परेशान नहीं हुआ टूल को लेकर, 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है, कुछ रिजेक्शन होना, ये सब कुछ चलता रहता है, कॉमन चीज़ें हैं। मैंने किसी का टूल बनाया, उन्होंने मेरे से बोला कि भाई बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अर्जेंट यूँ है क्योंकि हमारे कंपनी में वर्कर बैठ के जा रहा है, मैंने वर्कर को छुट्टी कर रखी है। तो विश्वास करोगे, जैसे ये टूल आपका बना हुआ मैंने ट्रायल कर दिया है, ट्रायल करते ही अगर आपका फ़ोन आ जाता है, मैंने डाइज इसके लिए बना रखी है, बल्कि दूसरे कस्टमर का फोन आता है कि यार मेरे साथ ऐसे सीन बन चुका, बंदे मेरे खाली बैठे हो, मेरे को कंपनी बंद करने की नौबत आ गई है, मुझे ये वाला टूल चाहिए, कितने दिन में दे दोगे। अब मैंने सामने बोला कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे 15 दिन का टाइम लगता है, तो उन्होंने बोला अगर आज मेरे को आप टूल दे तो मेरा काम चल जाएगा। मैंने उनसे ये नहीं बोला कि जो काम 40,000 का मैं उसके 50,000 लूँगा, क्योंकि आप तो फंसे पड़े हो, वो चीज़ें मैंने नहीं किया। उस केस में मैंने क्या किया, जिस कस्टमर का ये वाला टूल था उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे 1 हफ्ते का टाइम मांग करके, मैंने उनकी डाई उठा करके उस बंदे को दी कि भाई तुम अपना काम चला लो, उन अपना काम निकाल लो, बनी हुई डाई उनसे रिक्वेस्ट करके उस बंदे के पास डाई भेज दी मैंने, उस डाई का काम अपना चला रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मेरे को बोला भाई 2 डाइयाँ और बनानी, मैंने उन 2 डाइयों का ऑर्डर लिया, इनकी डाई पहले बना कस्टमर को दे दी। अब उनकी जब डाई बनाई तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई वो भी काम उनका अर्जेंट है, वो भी मेरे अर्जेंट बोला, संडे वाले दिन बंदे को मैं 10 बजे तक यहाँ काम करवा रहा हूँ, अपनी गाड़ी में रख करके साला कैसे कैसे करके मैं यहाँ से लेकर ट्रांसपोर्ट में जाकर डलवाता हूँ, ट्रांसपोर्ट मेरे यहाँ से सिर्फ 5-7 किलोमीटर पर, लेकिन वो बोलता भाई 2 दिन माल पहुँचेगा, जो दूसरा ट्रांसपोर्ट वहाँ से 30 किलोमीटर दूर है वो कहता भाई मैं आज लाओगे मैं सुबह पहुँचा दूंगा। मैं उस बंदे के पास खुद जाकर के डाई उठा के ले जाकर छोड़ता हूँ, गाड़ी की इतनी बुरी हालत हो गई थी, मतलब मैं ट्रैक्टर से खिंचवा के निकला हूँ, रास्ता सारा टूटा पड़ा हुआ था। तो इतना सब करने के बाद जब वहाँ पे डाई जाती है, मतलब वहाँ से मैंने डाई भेजवा, तो डाई वहाँ पे जाकर सीधा उस बंदे ने बोला कि भाई अगर आप 2 दिन बाद भेजवाते हो 500-700 रुपये लगेगा, लेकिन अभी 2100 रुपये लगेगा, सुबह माल पहुँच जाएगा आपको। 2100 रुपये अपने जेब में देता हूँ, 3 घंटे का टाइम खराब हुआ ट्रैफिक में जाकर के उस डाई को मैं छोड़कर आता हूँ। उसके बाद जब बंदे पर डाई पहुँच जाती है तो बंदा 15 दिन तक मेरे घुमाता है, आज पैसे डाल रहा हूँ कल पैसे डाल रहा हूँ, कितना हद तक सही है तुम मुझे बता दो। ये अगर वही अगर मैं चाहता तो मैं खुद चाहता ये डाई बनाने के बाद बोल देता भैया ये डाई आपकी बनी पड़ी हुई, ये रहा बिल आप पैसा डाल दो, और उसके बाद फिर मैं क्या करता, यार बस डाल ही रहा हूँ यार, बस जा रहा हूँ यार, हो रहा है तो ये भी तो मैं कर सकता हूँ भाई। सीधी सी सीधी बात यह है, मैंने तुमने नौकरी करी हुई 10 साल, तो मैंने खुद ने नौकरी करी हुई, मालिक साला चूतिया होता, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, सिखाते तो आप जैसे बंदे हो, आप जैसे बंदे मालिक को सिखाते हो चलाकी कैसे की जाती है, झूठ कैसे बोला जाता है, मतलब चूतिया कैसे बनाया जाता है, पैसे कैसे ऐंठे जाते हैं, पैसे कैसे काटे जाते हैं, ये चीज़ें ये ना सिर्फ कुछ बंदे मिलकर सिखा जाते हैं, साला मेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है फालतू चीज़ों के बारे में, लेकिन ऐसे से अगर मैं सीख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या करना है। मैं एक दिन ऐसे ना 2 टूल पड़ा था मेरे पास, उस बंदे को मैंने बिल बना दिया, अभी मैं बिल दिखाऊंगा, बिल बना करके मैं उस बंदे को ट्रांसपोर्ट डालने जा रहा था, 1,00,000 रुपये का काम था, 10,000 मेरे पास था, मैंने कहा कोई ना पैसा आगे पीछे आ ही जाएगा। हुआ क्या कि उनका GST नंबर मतलब एक्टिव नहीं था, वो बिल मतलब उनको मैं डाई भेज नहीं पाया, उन्होंने बोला भाई 2-4 दिन बाद में GST नंबर मेरा एक्टिवेट हो जाए तब आप भेज देना। वो उस दिन की बात है और आज 2 महीने की बात, आज तक वो डाई उन्होंने उठाई नहीं है। अगर मैं उस दिन भेज देता आज 2 महीने तक मैं परेशान रहता, भले वो बंदा सही हो लेकिन परेशान तो मेरा था ना फोन कर करके।
तो मतलब मैंने तो इतना भी सोचा, मैंने तो इतना सोचा कि यार ढाई रात रात करके दे दो यार अगले बंदे का, या कंपनी बंद हो, अगले बंदे का काम बंद हो पा रहा, यहाँ से अपने आप ढाई असेंबली करवा रहा हूँ, रात को 9 बजे से 10 तक काम करवा रहा हूँ, गाड़ी में रखवा रहा हूँ, यहाँ से ट्रांसपोर्ट चला, यहाँ से 30 किलोमीटर लेके जाता हूँ, वहाँ जाने के बाद अपने जेब से पैसा देता हूँ भाई इसको सुबह तक माल छोड़ो वहाँ पे, वो सब कुछ करवाता हूँ, और अगले बंदे जब ढाई पहुँच जाती है, आज कर रहा हूँ कल कर रहा हूँ बस कर ही रहा हूँ यार। मतलब मेरे को सिखा दिया ना तुमने ये कि आज के बाद से साला अगर किसी ने अगर 1 लाख रुपए काम करवाया हो, 99,000 रुपये मुझे दे दिया, 1,000 रुपये रहेंगे तो ढाई नहीं देना, ये सिखा रहे हो ना आप मुझे। मैं तो नहीं सीखता था, मैं तो साल 10,000 रुपये 1 लाख रुपये ढाई देने तैयार बैठा हूँ यार। बिजनेस तुम भी करो मैं भी करो, तुम्हारा पैसा है तो मुझे दोगे चीज़ें, तो यार मैं सब सोचता, लेकिन सिखा रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जो मैं कभी सोचता हूँ ना यार मालिक यार ऐसा है मालिक वैसा, वो सीखते कहाँ से, ऐसे सीखते हैं भाई वो। लेकिन अभी भी मैं सीधी सीधी बात इतना कहना चाहूँगा कि भाई अगर मैं 10 में से 2 लोगों को काम करूँगा, लेकिन जो काम करूँगा सही करूँगा पहली चीज़, दूसरी बात मेरे साथ टाइम 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, मेटेरियल भी रिजेक्ट होता है, लेकिन काम अगर सही हो रहा है सही है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं सही होता ना तो मैं सीधी से बात, अगर मान लो इस प्लेट में दिक्कत आई तो प्लेट गलत है तो गलत है, ये नहीं है मैं थूक लगा के तुम्हें दूंगा, सीधी सी बात है, पैसा आप खर्च कर रहे हो तो आपको चीज़ सही चाहिए, गलती मेरे से कहीं हो रही है उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगा, दूसरी बार उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, तीसरी बार मेरी इतनी उम्र नहीं होगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है, आपके साथ रह रहकर सीख रहा हूँ कर रहा हूँ और आगे करता रहूँगा, तो इतनी सारी प्रॉब्लमों को झेलते हो तो जाकर मैं काम करता हूँ। आप में से काफ़ी लोग कहते हो यार आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सो बस यही सब था जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया, जो अपने अंदर की मन की बात थी, अब आपसे ही शेयर कर सकता था, फिलहाल किसी कुछ बुरा लगा माफ़ करना, बाकी बस अपना साथ बनाए रखना इसी तरीके से, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।